दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जुलाई का महीना शुरू होते ही दिल्ली वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में गर्मी ने पिछले 9 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक ओर जहां दिल्ली में जून से ही मानसून का इंतजार हो रहा है, तो दूसरी ही ओर बिहार में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन दिल्ली में मानसून की पहली बारिश का इंतजार है। आपको बता दें कि दिल्ली में तापमान तो बढ़ता ही जा रहा है, इसके अलावा लू का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली वासियों को गर्मी का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार और शनिवार को भी लू चलने के आसार हैं और अभी मानसून की बारिश के लिए एक सप्ताह का इंतजार और करना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि महीने की पहली तारीख को ही गर्मी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में 1 जुलाई को अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि 1 जुलाई 2012 को दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया था, जबकि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को दिन के साथ रात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 24 घंटों में हल्की हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। ये हल्की हवा और बारिश मानसून तो नहीं, बल्कि दिल्ली वासियों को कुछ हद तक राहत जरूर दे सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पश्चिमी दिशा से हवा आ रही है, जिसके चलते दिल्ली में मौसम गर्माता जा रहा है और दिल्ली वासियों को मौसम का कहर झेलना पड़ रहा है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।